फ्रेंड्स हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना ना भूलें। फ्रेंड्स आज हम इस वीडियो में कंपाउंड वर्ड सिखाएंगे, जैसे कि हम एक वर्ड के साथ दूसरा वर्ड कैसे जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले हम कंपाउंड वर्ड की स्पेलिंग डेफिनेशन यहाँ पे बताएंगे क्या होती है कंपाउंड वर्ड की डेफिनेशन, कंपाउंड वर्ड होते क्या है। तो इन दिस वे द न्यू वर्ड्स फॉर्म वाय ज्वाइन टू वर्ड्स इज कॉल्ड अन कंपाउंड वर्ड्स। मतलब एक वर्ड के साथ हम दूसरे वर्ड को ज्वाइन कर देते हैं, यानी एक वर्ड में दूसरे वर्ड को हम जोड़ देते हैं, तो वो हमारा होता है कंपाउंड वर्ड्स। फ्रेंड्स ये तो हमें पता चल गया कि कंपाउंड वर्ड्स होते क्या है, कि एक वर्ड के साथ हमें दूसरे वर्ड को ज्वाइन कर लेना ही हमारा क्या कहलाता है, कंपाउंड वर्ड्स कहलाता है। जैसे हमारे यहाँ पर हमारे पास कुछ एग्जांपल है, जैसे यहाँ हो गया सेम डे। तो अगर हम इनको अभी तो ये हमारा ज्वाइंट है, ये बोला था ना कि एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को हम अगर ज्वाइंट कर लेते हैं तो हमारा कंपाउंड वर्ड बोला था। अब यहाँ पे हमने बोला सेम, तो यहाँ पे हमने ज्वाइंट क्या कर दिया डे, तो ये हो गया हमारा सेम डे। अगर फ्रेंड्स हम इनको अलग करके लिखेंगे तो सेम प्लस डे, अगर हम इसको ज्वाइंट करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा पूरा सेम डे। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हाउस होल्ड, हाउस होल्ड होता है हमारा गृहस्थी, तो हाउस मतलब घर होता है, और यानी कि घर का जो भी होता है वर्क वो हमारा गृहस्थी कहलाता है। तो हम इनको अलग तरीके से लिखेंगे तो हाउस हम अलग कर देंगे और होल्ड अलग कर देंगे। अब इन्हीं को हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये हो जाएगा हाउस होल्ड। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा मदर्स लैंड, तो मदर अगर हम इनको अलग करेंगे, मदरलैंड होता है हमारी मातृभूमि, तो मातृभूमि मदरलैंड इंग्लिश में हम मदर मातृभूमि को इंग्लिश में बोलते हैं मदरलैंड। तो मदर अलग कर देंगे, मदर मतलब माँ, लैंड मतलब भूमि, तो ये हो गया हमारा पूरा अलग लगा के मातृभूमि अलग ज्वाइन करेंगे, कर देंगे इसको मदर प्लस लैंड। तो इनको जब ज्वाइन हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा मदर लैंड। फ्रेंड नेक्स्ट है हमारे पास नोटबुक। फ्रेंड्स नोटबुक हम जो लिखते हैं वो हमारी जो कॉपी होती है उसको हम नोटबुक कहते हैं। तो जैसे ये हमारे पास आ गया, अब इनको हम अगर इसको हम अलग करके लिखेंगे तो ये हमारा हो जाएगा, इनको अलग करेंगे तो नोट अलग लिखेंगे प्लस लगा के बुक, तो ये दोनों वर्ड्स क्या हो गए अभी ज्वाइन। कंपाउंड क्या होता है, एक वर्ड के साथ दूसरे वर्ड को जोड़ देना, तो अभी हम इनको अलग करेंगे, अब इनको दोनों को हम जोड़ देंगे तो ये हमारा मिलकर क्या हो जाएगा नोटबुक। नेक्स्ट है डस्टबिन, डस्ट मतलब होती है हमारी धूल, जो भी कूड़ा करके होता है, वीन मतलब एक टाइप का होल होता है, गड्ढा जो होता है उसको हम इसी तरीके से पूरा मिला के हम बोल देंगे डस्टबिन, यानी जो भी कूड़ा करकट हम जिसके जिसमें डालते हैं वो हमारा क्या कहलाता है डस्टबिन। अब इनको हम अलग करेंगे तो डस्ट प्लस बीन, तो ये हो गया हमारा डस्टबिन। अगर हम इनको ज्वाइंट कर देंगे तो ये कंपाउंड वर्ड बन जाएगा, ये हमारा अलग वर्ड है, इनको हम ज्वाइंट कर देंगे तो ये हमारा कंपाउंड वर्ड बन जाएगा डस्टबिन। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास प्ले ग्राउंड, तो प्ले मतलब होता है खेलना, ग्राउंड होता है मैदान, तो यहाँ तो अभी हमारा ज्वाइंट है, अब हम इनको अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा प्ले प्लस ग्राउंड। फ्रेंड्स अगर हम अभी तो ये हमारा अलग है, इसका हम कंपाउंड बनाएंगे प्ले के साथ तो ये हमारा हो जाएगा प्ले ग्राउंड। नेक्स्ट है फ्रेंड हमारे पास न्यूज़पेपर। फ्रेंड न्यूज़ मतलब सूचना होती है, पेपर्स हमारा एक पेपर्स होता है, तो हम जैसे कोई भी न्यूज़ वगैरह होती है तो न्यूज़पेपर में होती है ना, तो हम न्यूज़ के साथ क्या लगाते हैं पेपर, तो अगर हम इसको अलग करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा न्यूज़ और प्लस पेपर। नेक्स्ट है फ्रेंड अगर हम इसको, ये तो हमारा अलग में हो गया, हम कंपाउंड वर्ड बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा न्यूज़पेपर। फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारे पास क्लासरूम, तो फ्रेंड्स हम क्लासरूम मतलब कक्षा हो गई एक टाइप से, अगर हम इसको अलग करेंगे तो ये हो जाएगा क्लास प्लस रूम, और इसको हम कंपाउंड वर्ड बनाएंगे तो ये हमारा हो जाएगा क्लासरूम। नेक्स्ट है फ्रेंड्स हमारे पास वंडरफुल, फ्रेंड्स इनको हम अलग करेंगे तो ये हम वंडर ऐसे लिखेंगे, वंडर